नमस्कार, ग्लोबल हेराल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं तनवीर खान और आइए नजर डालते हैं अभी के कुछ खास हेडलाइंस पर। देश में कोरोना संक्रमण की विकरालता बढ़ती जा रही है और लगातार दूसरे दिन भी रिकॉर्ड 28,500 से अधिक मामले सामने आए हैं, जिससे संक्रमितों का आंकड़ा 8,78,000 के करीब पहुँच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अमेरिका के प्रौद्योगिकी क्षेत्र की महारथी अल्फाबेट इंक एवं गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई से भारत में किसानों और युवाओं तथा उद्यमियों के जीवन में बदलाव के परिप्रेक्ष्य में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को लेकर बातचीत की है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कांग्रेस के असंतुष्ट नेता सचिन पायलट सहित सभी कांग्रेस विधायकों से अपील करते हुए कहा कि उनके लिए कांग्रेस आलाकमान और पार्टी के दरवाजे खुले थे और खुले रहेंगे। उच्चतम न्यायालय ने राजधानी दिल्ली में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले विदेशी जमातियों को काली सूची में डाले जाने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई 24 जुलाई तक के लिए सोमवार को टाल दी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं परीक्षाओं में पिछले वर्ष की तुलना में इस साल 5% अधिक उम्मीदवार पास हुए हैं और छात्राओं ने एक बार फिर बाजी मारी है।